पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर क्रमांक 3 में स्थित सेप्लेक्स कंपनी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कंपनी के पास स्थित मौर्या स्टील सरिया कंपनी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी की मशीन से करीब 1 टन वजनी मशीन के पहिए का आधा हिस्सा टूटकर कंपनी के पड़ोस में ही स्थित सेप्लेक्स कंपनी की छत को तोड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा, जिसके कारण 1 फीट मोटी निर्मित RCC की छत क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस हादसे में लैब में बैठे हुए 3 कर्मचारी मामूली घायल हुए हैं। हादसे में गनीमत रही कि चोट सिर पर नहीं आई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। वहीं कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि कंपनी रोजमर्रा के इस तरह काम कर रही थी, अचानक करीब दोपहर 12 बजे आसमान से छत से चीरता हुआ कोई बम नुमा भारी भरकम चीज आकर गिरी। हम आपको बता दें कि मौर्या स्टील कंपनी में सुरक्षा के नाम पर कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है। वहीं मौर्या स्टील कंपनी के प्रबंधन कैमरे के सामने आने से बचते रहे। पीतमपुर से संजय सोनगला की रिपोर्ट। आपको लगे आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? घटित हुई क्या था पूरा मामला? समय पता नहीं कहाँ से कुछ ऊपर से ऑब्जेक्ट आई, उसके बाद वो हमारे छत की सीलिंग जो बनी थी उसको तोड़ते हुए AC से टकरा के नीचे आई और पूरा लैब धुआं धुआं हो गया। क्या गिरा है पता चला? कास्ट आयरन टाइप का कोई मटेरियल बड़ा सा दिख रहा है। अच्छा, तो उससे कितने लोग घायल हुए? उसमें अपन उस समय एट ए टाइम उसमें 3 लोग प्रेजेंट थे, मैं संदीप मिश्रा, दूसरा रुपेश तिवारी और सुपन तिवारी। दो तीनों के हाथ में लगी, मेरे कलाई में लगी है और उंगलियों में लगी है, बाकी दोनों के एल्बो में लगी है। आप किस पद पे हैं? मैं क्वालिटी इंचार्ज। घटित हुई है क्या है पूरा मामला? कल करीब दिन में 12:30 बजे के करीब एक बहुत बड़ा CI फ्लाईव्हील कास्ट आयरन का बना हुआ एक बड़ा लोहे का टुकड़ा हमारी कंपनी के सोलर पैनल की छत को तोड़ता हुआ हमारे फर्स्ट फ्लोर पर आकर गिरा और करीब वो दोबारा से 15 फीट ऊंचा उछल के उसने हमारे बगल के ऑफिस, जिसको क्वालिटी सैंपल रूम बोलते हैं, उसको तोड़ते हुए, उसकी दीवार को तोड़ते हुए, उसकी अगली दीवार को, सामने की दीवार को तोड़ते हुए क्वालिटी के जो लैब थी उसके अंदर घुस के उसने पूरा जो है मशीनों को तहस नहस कर दिया जी। उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जो नीचे की हमारी 1 मीटर बाई 1.5 मीटर की जो हमारी बीम थी उस पूरी बीम को भी तोड़ दिया उसके इम्पैक्ट से। आज हम लोग हमारा जो पूरा जो एरिया था वो रेशल रूम का, उस पर कोई भी मशीन हम चालू नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है कंपनी को। छोटी मोटी फर्नीचर फिक्चर्स क्वालिटी लैब की छोटी मोटी बहुत सारी मशीनों का नुकसान। मेरा आपसे ये है कि ये जो घटना हुई है कितना नुकसान हुआ होगा उसका तो जायजा इंजीनियर लेंगे और उसका मोटे तौर पे आकलन किया जाएगा। आकलन मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ। अच्छा। मैं HR डिपार्टमेंट से हूँ। तो सर ये जो पार्ट आया उड़ के तो ये कहाँ से आया है, कौन से प्लांट, किस कंपनी का? ये मौर्या सरिया कंपनी की तरफ से ये प्लांट उड़कर आया और ये वहीं से ये प्लांट हमने जगह देखा तो उनकी जानकारी के मुताबिक उनके इंजीनियर्स ने हमारे प्लांट को भी विजिट किया तो ये देखने पे पता चला कि वो जो है फ्लाई व्हील जो एरिया था उनके जहाँ वो फ्लाई व्हील कास्ट की थी वहाँ पे कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो टुकड़ा टूटा और वो टूट के 2-3 टुकड़ों में वो एक टुकड़ा उसका बड़ा टुकड़ा जो करीब 1 टन के बराबर था वो टुकड़ा हमारे इधर कंपनी में करीब 400 मीटर की दूरी तैर हवा में उड़ता हुआ आया। अच्छा सर, ये पहली घटना है या इससे पहले भी कई बार हो चुकी है? नहीं, ये पहली घटना। कितने लोग घायल हुए? मामूली घायल हुए हैं, 3 से 4 लोग मामूली घायल हुए, बाकी कोई घायल नहीं हुआ। अच्छा, आपका नाम? मैं सुनील पांडे, मैं GM HR के पद पे कार्य करता हूँ, सेफलेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।